फोर्चे स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम एक मजमून लिखेंगे जिसका अनवान है यौम असातिज़ा। हमें हर हाल में उस्ताद की ताज़ीम करना है। हमें हर हाल में उस्ताद की ताज़ीम करना है। वो मेहनत से पढ़ाते हैं, हमें तस्लीम करना है। हमने इस मज़मून की इब्तिदा इस शेर से की है। हमें हर हाल में उस्ताद की ताज़ीम करना है, वो मेहनत से पढ़ाते हैं, हमें तस्लीम करना है। आप जब भी कोई मज़मून लिखें तो उसकी इब्तिदा बहुत ज़्यादा माने रखती है। अगर इब्तिदा में कोई आपको जान होगी या फिर इब्तिदा आपकी अच्छी होगी तभी पढ़ने वाला वो मज़मून आखिरी तक पढ़ेगा या सुनेगा। तो यहाँ पर हमने अपनी मज़मून की इब्तिदा एक शेर से की है जो कि उस्ताद की अजमत बयान करता है। यौमे असातिज़ा जिसे टीचर्स डे भी कहा जाता है, डॉक्टर राधाकृष्णन के यौम पैदाइश यानी 5 सितंबर को हर साल जोश व खरोश से मनाया जाता है। यौम असातिज़ा जिसे टीचर डे भी कहा जाता है, डॉक्टर राधाकृष्णन के यौम पैदाइश यानी 5 सितंबर को हर साल जोश व खरोश से मनाया जाता है। इस दिन स्कूल की सबसे बड़ी जमात के तलबा व तालिबात तदरीस के फराइज अंजाम देते हैं। इस दिन स्कूल की सबसे बड़ी जमात के तलबा व तालिबात तदरीस के फराइज अंजाम देते हैं। छोटी जमातों के तलबा असातिज़ा की अजमत बयान करने के लिए सखाफती प्रोग्राम पेश करते हैं। आप जब भी कोई मजमून लिखें तो इस बात के ख्याल रखिए कि शुरुआत आपको पैराग्राफ से करनी है और एक दो लाइन में उसका आपको खाली इंट्रोडक्शन देना है, एक तारुफ पेश करना है। उसके बाद उसके हम अंदरूनी जो उसके मवाद है जो उसमें हमको बयान करना है वो उसके बाद के पैराग्राफ में हम बयान करेंगे। जैसे कि यहाँ हम यौम असातिज़ा पर मज़मून लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पर उसका दो लाइन में इंट्रोडक्शन दिया है,
तारुफ पेश किया है। इसके बाद हम इस दिन की खासियत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दिन स्कूल की सबसे बड़ी जमात के तलबा व तालिबात तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। छोटी जमातों के तलबा असातिज़ा की अजमत बयान करने के लिए सकाफती प्रोग्राम पेश करते हैं। यौम असातिज़ा के दिन तमाम बच्चों को उस्ताद की अजमत का इल्म होता है कि एक उस्ताद किस तरह मुख्तलिफ मसाइल का सामना करते हुए अपने फराइज अंजाम देता है। यूं तो हर मौलिम मिसाली होता है, लेकिन उनमें अगर कोई तलबा की हमा जहत नशोनुमा के लिए कोई कारहाए नुमाया यानी कि कोई नुमाया काम या कोई अलग मुख्तलिफ सरगर्मी वगैरह अंजाम देता है तो उसे उस रोज रियासती और ज़िलाही सतह पर इसी तरह दीगर निजी इदारों की जानिब से मिसाली मौलिम के अवार्ड से नवाजा जाता है। यौमे असातिज़ा उन तमाम असातिज़ा के लिए बाईस फ़ख्र होता है जिन्हें इस रोज मिसाली मौलिम का अवार्ड हासिल होता है। ए उस्ताद तेरी अजमत को सलाम। तेरी मोहब्बत भरी शफ़क़त को सलाम। तू है तो है कौम में तालीम का जोर,
तेरी की हुई हर जद्दोजहद को सलाम। अब देखिए हमने जो मज़मून लिखा है हम उसे दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। यौमे असातिज़ा, हमें हर हाल में उस्ताद की ताज़ीम करना है, वो मेहनत से पढ़ाते हैं, हमें तस्लीम करना है। यौमे असातिज़ा, जिसे टीचर्स डे भी कहा जाता है, डॉक्टर राधा कृष्णन के यौमे पैदाइश यानी 5 सितंबर को हर साल जोशो खरोश से मनाया जाता है। उस दिन स्कूल की सबसे बड़ी जमात के तलबा व तालिबात तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। छोटी जमातों के तलबा असातिज़ा की अज़मत बयान करने के लिए सखाफती प्रोग्राम पेश करते हैं। यौमे असातिज़ा के दिन तमाम बच्चों को उस्ताद की अज़मत का इल्म होता है कि एक उस्ताद किस तरह मुख्तलिफ मसाइल का सामना करते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। यूँ तो हर मौलिम मिसाली होता है, लेकिन उनमें अगर कोई तलबा की हमा जहत नशोनुमा के लिए कोई कारहाय नुमाया अंजाम देता है तो उसे उस रोज़ रियासती और ज़िलाई सतह पर इसी तरह निजी दारों की जानिब से मिसाली मौलिम के अवार्ड से नवाजा जाता है। यौमे असातिज़ा उन तमाम असातिज़ा के लिए बाइस से फ़ख्र होता है जिन्हें उस रोज़ मिसाली मौलिम का अवार्ड हासिल होता है। ए उस्ताद, तेरी अज़मत को सलाम, तेरी मोहब्बत भरी शफ़क़त को सलाम। ए उस्ताद, तेरी अज़मत को सलाम, तेरी मोहब्बत भरी शफ़क़त को सलाम। तू है तो है कौम में तालीम का ज़ोर, तेरी की हुई हर जद्दोजहद को सलाम।